नमस्ते। हाँ, आज हमारे साथ दिव्यानी भारद्वाज हैं और ये अपने बच्चों की और अपनी अपनी बातें बताएंगी खूब सारी। वो कितना सुंदर रहेगा। तो कहानियाँ सुनने सुनाने की परंपरा लगातार कम होती नज़र आती है। आजकल शहरों में ही नहीं, गाँव में भी कहानियाँ सुनना सुनाना बंद सा हो गया है। दुनिया के हर समाज में, हर एक भाषा में हजारों कहानियों का भंडार है, पर आज इस कहानियों को कोई नहीं सुनाता है। तो आपने तो अपने दोनों बच्चों को बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं। आपको क्या लगता है कि आज भी प्री स्कूल व प्राइमरी स्कूल की उम्र के बच्चों को घर में कहानियाँ सुनानी चाहिए क्या, या नहीं भी सुनानी चाहिए? तो आपको क्या लगता है? आपको बेशक मुझे लगता है कि बच्चों को कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए और बच्चों को बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए, और बच्चों को जितना जल्दी, जितना कम उम्र से हो सके, उतना कम उम्र से कहानियाँ सुनाना शुरू करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने अपने जब बच्चों को कहानी सुनानी शुरू की, मेरा बड़ा बेटा जब पहली बार जन्म हुआ उसका, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे कैसे बड़े किए जाते हैं। तो मैं देखती थी कि जो मेरे परिवार में जो बड़े बुजुर्ग थे, मेरी माँ या मेरी सास, तो जब मेरे बेटे को गोदी में लेते थे, या पड़ोस में भी जो आंटी थी, जो मेरी लैंडलेडी थी जिनके पास में मेरा बेटा खेलता था, तो बच्चे को गोद में लेके खूब सारी बातें करती थी। लेकिन खूब सारी बातें कोई बिना किसी आधार के कितनी देर तक बच्चे के साथ करेगा, क्योंकि बच्चा तो खुद कुछ बोलना जानता नहीं है। तो मैं देखती थी कि जैसे जितना वो उसके साथ बात करते थे, वो उतना उनको तरह तरह के रिस्पॉन्सेस देता था। तो मुझे लगा कि मैं ये बात कितनी देर तक कर सकती हूँ कि अच्छा, तुम बात करना चाहते हो, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब करते करते मुझे लगा कि मुझे इसके साथ और बहुत सारी बातें करनी चाहिए। तो मैं उसके साथ जो गीत कविताएं मुझे आते थे, मैं वो गाने लग गई। फिर मैंने जो अपने बचपन में कहानियाँ सुनी थी, मैं उसके साथ में वो कहानियाँ, शायद साल भर का मेरा बेटा रहा होगा जब मैंने उसके साथ में कहानियाँ सुनाना शुरू किया उसको, तो उस वक्त मैं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसी कहानियाँ उसको सुनाऊँ जिसमें कि चीज़ें बार बार होती हैं ना। जैसे झीतरिया की कहानी है, मैंने सबसे पहले उस कहानी से शुरू किया था। तो क्योंकि उस कहानी में ये है कि एक बच्चा है जो नानी के घर जा रहा है, तो अब नानी के घर जाने में उसको बार बार रास्ते में अलग अलग जानवर मिल रहे हैं। वो हर एक जानवर उससे एक ही बात पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको तो मैं खाऊंगा, और वो हर एक जानवर को एक ही तरह का जवाब दे रहा है कि मैं तो नानी के घर जाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, फिर खा लेना तुम, और फिर वो वापस लौट रहा है। तो ये पूरा जाने और आने के दौरान बहुत सारे नए शब्द, बहुत सारे नए वाक्य और बहुत सारा दोहरान, ये सब कुछ हो रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि कहानियाँ बच्चों के साथ जब हम बहुत जल्दी कम उम्र में सुनाना शुरू करते हैं, तो बच्चे को बहुत सारी भाषा उसके सामने अपने आप खुलती जाती है, जो हम सामान्य बातचीत में नहीं कर सकते। सामान्य बातचीत में होगा कि हम उसको कुछ चीज़ें करने के लिए कहेंगे, कुछ चीज़ें नहीं करने के लिए कहेंगे, लेकिन जब हम कहानी कह रहे होते हैं तो हम बहुत सारी वो बातें कह रहे होते हैं जो हम रोज़ाना बोलचाल में नहीं कहते हैं। और इससे मुझे लगता है कि बच्चों के सामने एक बोलने का, भाषा का, भाषा को इस्तेमाल करने का, उसमें जिस तरह की लय है, उस सब का एक्सपोजर उसको मिलता है। और जब हम ये शुरू करते हैं, क्योंकि सभी पेरेंट्स से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उनके पास में या तो कहानियाँ सुनाने की उस तरह का अभ्यास या रुचि हो, या उनके पास में समय हो, बहुत सारे सीमाएं होती हैं, अलग अलग माहौल के पीछे अलग अलग सीमाएं होती हैं। तो खासतौर से जो आपने प्री स्कूल की और स्कूल की बात की, तो मुझे लगता है कि स्कूल वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि बच्चे की और टीचर के बीच में ये उम्मीद की जाती है कि वो बच्चे को सीधे सीधे बच्चे के सीखने पे, बच्चा और ख़ासतौर से प्री स्कूल और स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें तो बच्चे की भाषा और बच्चे के बिल्कुल आधारभूत स्किल्स पे काम किया जाता है। तो वहाँ पे जितना ज़्यादा कहानियों का, गीतों का, कविताओं का माहौल होगा, उतना ज़्यादा बच्चे को भाषा को बरतने का अभ्यास मिलेगा। और जब हम उसको पहले से इतना एक रिच भाषा का माहौल देंगे, तो फिर जब बच्चे को हम पढ़ने लिखने में या दूसरी चीज़ों में ले जाना चाहेंगे, तो उसको एक
उसकी एक तैयारी होती है उस तरह से। जो सवाल हमने देवयानी जी से पूछा, वही सवाल सुभाष जी से भी पूछा गया। देवयानी जी जयपुर महानगर की रहने वाली हैं, अभी अपने दोनों बेटों के साथ दिल्ली में रहती हैं। सुभाष जी अजमेर जिले के एक छोटे से प्यारे से गांव सूपा में रहते हैं। वहाँ इनके परिवार में भी इनके अपने दो बच्चे हैं, तो ये खुद भी अपने बचपन में कहानियाँ सुनते थे और ये खुद भी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। इस सवाल पर सुनते हैं सुभाष जी ने क्या कहा है। सुभाष जी अभी फिलहाल अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में काम करते हैं, चलिए सुनते हैं। सुबह जी जब आप छोटे थे, हाँ, तो आपने कुछ कहानियाँ सुनी होगी जी, तो जब आप वयस्क हो गए तो आपके बच्चों को भी आप कुछ कहानियाँ सुनाते होंगे। हाँ, तो सुनाने से क्या फायदा है? अगर बच्चों को कहानी नहीं सुनाए तो क्या होगा? तो जैसे कि आपने कहा है कि बचपन में मैंने बच्चों को कहानियाँ तो बहुत सुनाई है, और कहानियाँ सुनाने को लेकर जो मेरा अनुभव है, एक तो यह है कि मैंने ये देखा उस समय कि जब भी मैं कोई कहानी सुनाता था तो बच्चे पूरा ध्यान से सुनते थे और हमेशा वो ये देखते थे कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, और कुछ कुछ कहानियों को वो बहुत पसंद करते थे। जैसे मुझे आज भी याद है एक कहानी थी, भैंस और पांडा वाली कहानी, तो जब मैंने उनको पहली बार सुनाई थी तो क्योंकि वो कहानी थी इस तरह की थी, आगे क्या होगा इसको लेकर बच्चों में एक ख़ास तरह की जिज्ञासा होती है जानने की, और जब मैंने वो कहानी उनको सुनाई तो उन्हें बहुत पसंद आई, और कई बार ऐसा भी हुआ कि वो उस कहानी को वापस भी सुनना चाहते थे कि पापा वो कहानी सुनाओ, उसमें बहुत मज़ा आया। और कहानी उन्हें जब भी मैं कोई नई नई कहानी सुनाता था तो कहानियों के अंदर दरअसल मैंने ये महसूस किया कि जो घटनाएं हो रही होती थी उन घटनाओं को लेकर वो क्योंकि पूरा एक वो बनता था, एक कहानी में जो पूरा एक पूरी की पूरी जो बात बनती है तो वो उन्हें सुनने को मिलती थी, और इसी की वजह से शायद जैसे वो पढ़ना लिखना और उसमें भी उनकी रुचि पैदा होती है, तो ये मैंने महसूस किया और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी बीच बीच में बच्चे प्रश्न, तो आपने देखा बच्चे चाहे महानगर के रहने वाले हों या गांवों के रहने वाले हों, सभी बच्चे कहानियां सुनना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बच्चों की कहानियां सुनने में रुचि होती है, पर कहानियां क्यों सुने, क्या होता है कहानियां सुनने से? इन प्रश्नों के जवाब हम हमारे दूसरे वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू।